अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। कीर्ति आजाद ईडी मतलब ईडी करप्शन से लड़ रही है और ऑपोजिशन ईडी से लड़ रहा है और जीवीएल कह रहे सारी पार्टियों का अलायंस हो गया ईडी के खिलाफ। रुक तेरे को बताते, मेरा एक असूल है, जब मैं बोलता हूँ तो किसी को टोकने नहीं देता और जब कोई बोलता है तो मैं टोकता नहीं। थोड़ा भाजपा भी बात कर लेते हैं। सुवेंदु अधिकारी नारदा शारदा कारदा जबरदस्त ईडी आज वह नेता प्रतिपक्ष है बंगाल की असेंबली में। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला आज वह आसाम के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा है ईडी भ्रष्टाचार को निकाल रही है, इनका भ्रष्टाचार कब निकलेगा? उस पर चुप्पी अमन चोपड़ा क्यों रखते हो भैया? इन सबों को भी क्यों नहीं उखाड़ करके बात करते हो? समझने वाले हैं वो समझेंगे और जाने के क्या है कैसे है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके ऊपर क्यों नहीं उठाते? सुवेंदु अधिकारी के ऊपर, हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर, रमन सिंह के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, येदुरप्पा के ऊपर, रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर, सृजन घोटाला, इन सब के ऊपर क्यों नहीं उठाते हो भाई? इन सब पर क्यों चुप्पी रहती है? मैं नहीं बताऊंगा। विपक्ष इसीलिए कहता है केवल 25 कन्वेक्शन। अच्छा कीर्ति जी, 0.46 के प्रतिशत से आपने नो, ये सामने लोग 5-5 मिनट बोले हैं, मैं भी उतनी देर बोलूंगा। बीच में ना बोल। नहीं, और आपने जब बीच में सुब्रमण्यम, एक मिनट, नहीं साहब, मैं घड़ी साहब, ये घड़ी मेरे पास भी है, मैं देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, मैं खिलाड़ी आदमी, मुझे हर एक मेरी नजरें मेरे, हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है आपका जरूर होगी भाई, आप इसके ऊपर इतने बड़े चैनल के ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हैं। खत्म कर रहा हूँ, आप इतनी देर अगर बोले इतनी देर में तो बात खत्म कर गया। जब चौकीदार चोर है कहा गया था, तब भी अगर आपकी वैसी ही आपत्ति होती तो शायद मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता। बहरा मैंने आपके बीच बात अगर बीजेपी वाले ने कही होती चौकीदार चोर है तो मैं समझ में आता, लेकिन आपको ये कहना उचित नहीं लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, मैंने भी आपको बोला, मैं भी कहता हूँ, तो केवल आप ये नेशनल हेराल्ड या पार्थ चतुर्वेदी या दूसरों के ऊपर क्यों बात करते हैं? आप इन लोगों के ऊपर भी क्यों नहीं बात करते हैं? ये लोग, इन लोगों ने तो इसको खा लिया है, चूस लिया है इस ईडी को, कि जहां एक भी नहीं, प्लीज टोको मत, एक भी पॉलिटिकल कन्विक्शन अभी तक मुझे बताओ जो 36 से ज्यादा लोगों के ऊपर हुआ है। एक भी नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। कन्विक्शन नहीं हुआ तो फिर अधिकार आप ही बताओ मुझे। नरसिम्हा राव जी की जगह तो आप ही जवाब कर रहे हो। कम से कम जांच शुरू तो वाले को करने दो ना, प्रश्न पूछने दो ना भैया, कम से कम जांच। मैं सर, मैं सवाल पूछूंगा ना, बीजेपी वाले को पूछने दो ना प्रश्न भाई। कीर्ति जी, मैं सवाल पूछूंगा ना, तो बीजेपी वाले पूछते हैं फिर वही बात। मुझे बात तो खत्म करने दो भाई, बात खत्म करने दोगे तो नहीं दोगे? नहीं दोगे तो खत्म करो बात, मैं नहीं बोलता खत्म की बात। कब से सर सुन रहा हूं आपकी बात, खत्म होगी तभी तो आगे बढ़ूंगा। बोलिए, अब आप कंप्लीट करिए। नहीं, खत्म कर दिया, आगे करो, जाओ।